हेलो एंड वेलकम टू वीनस लॉ क्लासेस। सो गाइस, इम्पोर्टेंट जजमेंट की सीरीज में आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एक इम्पोर्टेंट केस को समझेंगे। सो इट इज आल्सो कॉमनली नोन एज मंडल केस। सो यस, इट इज इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑन प्रिजर्वेशन पॉलिसी। अगर आप कोई रिसेंट केस भी पढ़ते हैं तो यू विल ऑलवेज बी फाइंडिंग अ मेंशन ऑफ इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक 9 जजेस बेंच डिसीजन था जिसमें 6:3 को रेशो रहा एंड द मेजोरिटी ओपिनियन इट वॉज पेंड डाउन बाय ऑनरेबल जस्टिस जीवन रेड्डी। इसका माइनॉरिटी ओपिनियन भी काफी अच्छा है। जो लोग रिजर्वेशन पॉलिसी को अपोज करते हैं, तो अगर आपको मेंस में आंसर राइटिंग की हेल्प चाहिए तो आप इसका माइनॉरिटी ओपिनियन भी पढ़ सकते हैं। सो हम इस केस को समझें, इससे पहले कुछ फैक्ट्स को जानना जरूरी होगा सो दैट वी कैन नो हाउ दिस केस बिकम वेरी सिग्निफिकेंट एंड केम बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड दैट टू बिफोर 9 जजेस बेंच। सो यहाँ पे 1 जनवरी 1979 इस डेट पर सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल पीपी मंडल। अब यहां से एक क्वेश्चन उठता है कि फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन कौन सी थी, कब सेटअप की गई थी। सो 1953 में काका कालेलकर कमीशन इसको सेटअप किया गया था और ये मंडल कमीशन वाली ये हमारी सेकेंड है। सो काका कालेलकर कमीशन ये हमारी फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन थी। अब यहाँ पे इसका पर्पस क्या था, जब हमने ये मंडल कमीशन को अपॉइंट किया, कॉन्स्टिट्यूट किया, तो इसका पर्पस क्या था कि आप डिटरमीन करो, आइडेंटिफाई करो SEBCs को, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को कंट्री में, और आप देखो कि क्या प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। तो यहाँ पे कमीशन ने कहा कि हमें इनको रिजर्वेशन देनी चाहिए कहाँ पर, इन द सर्विसेज अंडर द यूनियन और स्टेट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स में हमें इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करनी चाहिए इनके बेटरमेंट के लिए। ये सजेशन रहा मंडल कमीशन का। फिर कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देती है प्रेसिडेंट को। अब एक क्वेश्चन आएगा कि प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करता है। सो आंसर इज 340। आगे आर्टिकल आगे की स्लाइड्स में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि उस टाइम पर 1990 में प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। सो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह उस टाइम पर होते हैं जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट इसको इसके लिए एक ऑफिस मेमोरेंडम लाया जाता है कि हम 27% रिजर्वेशन देने को तैयार हैं ओबीसी को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को। तो आपको पता है स्केड्यूल क्लास, स्केड्यूल ट्राइब्स, इनको हम रिजर्वेशन देते आए हैं। और यहाँ पे 1990 में ये देखा गया कि अदर बैकवर्ड क्लास को भी हमें रिजर्वेशन देनी चाहिए सिविल सर्विसेज में अंडर आर्टिकल 16(4). तो ये हमारा सिनारियो था। अब क्या हुआ कि रिजर्वेशन पॉलिसी को हमेशा ये माना जाता है कि आप क्या कर रहे हो, आप दूसरे कैंडिडेट्स की जो राइट्स हैं उनको छीन रहे हो। तो अब यहाँ पे ये जो ऑफिशियल मेमोरेंडम्स आए इसके लिए वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट की गई, सेल्फ इमोलेशंस ये तक सिचुएशन आ गई, डैमेज हुआ प्राइवेट पब्लिक प्रॉपर्टी का बाय द यूथ। क्योंकि अगर सपोज आप जनरल कैटेगरी के हो और आप आपके लिए सीट्स कम हो जाएंगी जब हम रिजर्वेशन पॉलिसी को एक्सटेंड करेंगे। सो सिंपली जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजंस देयर वर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट इन द कंट्री। अब क्या हुआ, 3 जजेस बेंच के सामने मैटर गया, फिर 5 जजेस बेंच के सामने मैटर गया, एंड अल्टीमेटली क्या हुआ कि गवर्नमेंट चेंज हो गई। फिर दोबारा से देखा गया कि क्या जो नई वाली गवर्नमेंट थी वो भी लाना चाहती थी ऐसे ही रिजर्वेशन पॉलिसी को, फिर उन्होंने भी ऑफिस मेमोरेंडम इंट्रोड्यूस किया और अल्टीमेटली द मैटर वॉज बिफोर 9 जजेस बेंच। अब जो ऑफिस मेमोरेंडम में जो एड किया न्यू वाली गवर्नमेंट ने, उन्होंने ये भी एड कर दिया कि जो 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी होनी चाहिए। प्लस उन्होंने एक ये भी सजेशन दिया कि ये जो बैकवर्ड क्लास है इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर। अब क्रीमी लेयर क्या होती है वो भी हम आगे की स्लाइड्स में समझेंगे।
आई होप आपको बैकग्राउंड केस का बिल्कुल क्लियर है। अब हम प्रोसीड करेंगे केस से, समझेंगे कौन से आर्टिकल्स इन्वॉल्व हैं इस केस में और क्या हम इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं वर्ड्स को ऑफ द आर्टिकल। सो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स में रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे थे, सो आर्टिकल 16(4) इट कम्स इनटू द पिक्चर। सो यहाँ पे आपको पता है आर्टिकल 16 कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स में ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस एक्सेट्रा आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, बट आर्टिकल 16(4) कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास। अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्या बैकवर्ड क्लास, क्या होती है बैकवर्ड क्लास, इज इट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर इज नो। तो ये भी एक एक्सरसाइज रही कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैकवर्ड क्लास इन सेक्शन 16(4) ऑफ सिटीजंस व्हिच इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट। तो ये हमारा फर्स्ट है। फिर मैंने आपसे पूछा कि प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में कमीशन को अपॉइंट कर सकते हैं, सो इट इज 340, आर्टिकल नंबर 340। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम्स में। अब चलते हैं केस के इश्यूज पर, केस को समझेंगे कि क्या क्या इश्यूज बनाए गए। पहली बात तो ये आया कि जो आप यहाँ पे प्रोविजन वर्ड यूज कर रहे हैं आर्टिकल 16(4) में, मैंने आपको अभी आर्टिकल पढ़वाया उसमें एक प्रोविजन वर्ड का इस्तेमाल हुआ, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोविजन? क्या इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी आएगी कि क्या आप एक ऐसा प्रोविजन बना सकते हो जिसमें रिजर्वेशन ला सकते हो, और क्या ये प्रोविजन सिर्फ लेजिस्लेटिव विंग बना सकता है स्टेट का, यानी कि क्या ये रिजर्वेशन सिर्फ थ्रू लॉ लाई जा सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर लेकर आए, पार्लियामेंट लेकर आए, या जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफिशियल मेमोरेंडम गवर्नमेंट ने इशू करे, तो क्या ये जो प्रोविजन है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी हो सकता है? पहला तो क्वेश्चन यही आया कि क्या इसके लिए लॉ की जरूरत थी या सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी ये चीज की जा सकती है। और इसके बाद अगर आपने आर्टिकल 309 पढ़ा हो तो इसमें क्या होता है कि जब भी किसी स्टेट या फिर यूनियन, यहाँ पे कोई भी हम सिविल सर्विसेज की बात करें, तो उनके अपॉइंटमेंट्स और रिक्रूटमेंट के लिए जो भी कंडीशंस हैं वो थ्रू लॉ लाई जा सकती हैं, और अगर लॉ नहीं है तो प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर भी रूल्स बना सकता है विद रिगार्ड टू द कंडीशंस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड द अपॉइंटमेंट्स। तो यहाँ पे कि क्या ये एक रूल है या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, ये भी क्वेश्चन में आया। सो इट इज रिकमेंडेड कि आप 309 भी पढ़े, ये इसका कोर इशू नहीं था बट मैं फिर भी आपको थोड़ा बता रही हूँ। तो पहले देखा गया कि स्टेट का मतलब क्या होता है, तो स्टेट सबको पता है आर्टिकल 12 में देयर आर नंबर ऑफ जजमेंट्स जो आपको बताती है कि आर्टिकल 12 में स्टेट क्या होगा, इवन द यूनिवर्सिटी इनको भी हमने स्टेट बोला है आर्टिकल 12 में। फिर एक क्वेश्चन आता है कि लॉ का क्या मतलब होता है, कि क्या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को हम आर्टिकल 13(3)A में लॉ मानते हैं? आंसर इज यस। तो यहाँ पे ये चीज आया, आंसर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि स्टेट जो वर्ड है ना, कि स्टेट कैन मेक अ प्रोविजन, तो यहाँ पे स्टेट का इंटरप्रिटेशन एक वाइड इंटरप्रिटेशन है, सो इट वुड बी अनरीजनेबल एंड इनअप्रोप्रिएट टू इंसिस्ट दैट रिजर्वेशन इन ऑल दीज सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड बाई पार्लियामेंट और लेजिस्लेशन। तो क्योंकि जैसे अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात करें, क्या अगर आप देना चाहते हो, रिजर्वेशन प्रोवाइड करना चाहते हो, तो इनकी अपनी बॉडीज होती हैं जो पॉलिसी मेकिंग करती हैं। सो यहाँ पे अगर आप माइनॉरिटी ओपिनियन पढ़ना चाहें तो आप इसको भी देख सकते हैं। माइनॉरिटी ओपिनियन में ये बोला गया था कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो हो सकता है, बट ये बेटर होता कि आप पार्लियामेंट के सामने भी इसको रखते, इट शुड हैव लेड डाउन बिफोर द पार्लियामेंट। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, ये चीज बनाई गई कि क्या आर्टिकल 16(4) एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 16(1) का,
या फिर ये सिर्फ इसी का एक्सटेंशन है। तो माइंड इट, हम बात कर रहे हैं कि क्या आर्टिकल 16(4) एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 16(1) का। तो आंसर वाज गिवन इन नेगेटिव। इन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 14 है विच टॉक्स अबाउट इक्वालिटी, उसमें अफर्मेटिव एक्शंस भी आते हैं कि अगर हम इक्वालिटी चाहते हैं अपनी कंट्री में, तो हमें अनइक्वल्स को अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू एक ऐसी पोजीशन पर लाना पड़ेगा जिससे कि वो इक्वल फील कर सके और हम इक्वालिटी ला पाए अपनी कंट्री में। सो फॉर एश्योरिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इट इज नेसेसरी इन सर्टेन सिचुएशंस टू ट्रीट अनइक्वली सिचुएटेड पर्संस अनइक्वली। तो यहाँ पे ये चीज बोली गई कि आर्टिकल 16(4) इज एन इंस्टांस ऑफ सच क्लासिफिकेशन एंड इट इज नॉट एन एक्सेप्शन। हाउएवर, अगर आप माइनॉरिटी ओपिनियन पढ़ते हैं तो उन्होंने इसको एक्सेप्शन कहा था। अब इससे फर्क क्या पड़ता है एक्सेप्शन रीड करने से या फिर एक्सटेंशन बोलने से? देखो, अगर हम एक्सेप्शन बोल रहे हैं ना इस चीज को, तो हम इसको बहुत स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन देंगे और शायद हम मतलब इतनी रिजर्वेशन पॉलिसी को अलाउ ना कर पाते। सो दैट इज द थिंग। तो ये आपको सेकेंड इशू पता होना चाहिए। अब थर्ड इशू पे चलते हैं कि मीनिंग क्या होगा बैकवर्ड क्लास का, बिकॉज इट इज नॉट बीइंग डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या बैकवर्ड क्लास आइडेंटिफाई की जा सकती है सोलली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट? कि क्या एक कास्ट एक सोल क्राइटेरिया हो सकता है टू आइडेंटिफाई द बैकवर्ड क्लास अंडर आर्टिकल 16(4) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? और एक क्वेश्चन ये भी उठा कि क्या बैकवर्ड क्लास ये जरूरी है कि वो सोशली एज वेल एज, यहाँ पे प्लस कंडीशन लगा रही हूं मैं, कि वो सोशली एज वेल एज एजुकेशनली बैकवर्ड होनी चाहिए या फिर सिर्फ सोशल बैकवर्डनेस से भी काम चल सकता था। तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम आर्टिकल 15(4) को पढ़ते हैं ना, तो वहां पे इन्होंने ये चीज प्रिफिक्स की है कि क्लास इट शुड बी सोशली प्लस एजुकेशनली बैकवर्ड। बट 16 में अगर हम आर्टिकल 16(4) को पढ़ते हैं, तो ऐसा कोई प्रिफिक्स हमें देखने को नहीं मिलता। तो अगर हम एजेंशियली देखें तो यहाँ पे क्लास क्या होगा, यहाँ पे सोशली बैकवर्ड भी होगी तो भी हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आया कि क्या कास्ट और क्लास क्या ये सेम होते हैं, क्या ये क्या क्या हम इनको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं? क्योंकि हमें इस चीज का भी आंसर करना है कि क्या कास्ट सोल क्राइटेरिया हो सकती है टू आइडेंटिफाई द बैकवर्डनेस। तो यहाँ पे ये चीज बोली गई कि कास्ट सोल क्राइटेरिया तो नहीं हो सकती, क्योंकि कास्ट और क्लास में फर्क होता है, पहली चीज तो ये है। लेकिन ये एक स्टार्टिंग पॉइंट जरूर हो सकती है, बिकॉज अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे, इफ यू गो बाय द इंडियन हिस्ट्री, कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन बहुत देखा गया। तो ऑनरेबल जजेस ने कहा, तो व्हाई इफ देयर इज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, तो व्हाई कास्ट कैन नॉट बी द रेमेडी? तो अगर बैकवर्डनेस के लिए और कोई क्राइटेरियाज होंगे और अगर कोई एक कास्ट उसको फुलफिल कर देती है डायरेक्टली, तो कास्ट कैन बी द बेसिस, तो वो कास्ट बैकवर्ड क्लास बन जाएगी। पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या कास्ट सोल क्राइटेरिया है, आंसर इज नो। फिर अगर मैं क्या आपसे पूछूं कि सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर क्या मैं ये बोल सकती हूं कि एक क्लास वो क्या है, बैकवर्ड क्लास है, तो ये चीज हो सकती है कि कुछ लोग जस्ट बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया ये हो सकता है कि वो बैकवर्ड क्लास हैं, तो देन द आंसर इज नो। क्योंकि हमें सोशली भी देखना पड़ेगा कि क्या सोशल बैकवर्डनेस है या नहीं। अब यहाँ पे एक चीज आई कि आप आर्टिकल 340 में तो कमीशन अपॉइंट कर रहे हो और वहां पे तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास लिखा गया है, तो यहाँ पे बोला गया कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन,
यहाँ पे जो 16:4 है, यहाँ पे आप जो प्राइमेसी दोगे, दैट यू विल बी गिविंग टू सोशल बैकवर्डनेस। अब क्या होगा कि यहाँ पे एक वाइडर इंटरप्रिटेशन हो गया 16:4 का, सो इट विल बी नाउ अप्लाइड टू लार्जर क्लासेस देन द वन कॉन्टेम्पलेटेड इन आर्टिकल 340 और 15। आई होप इसको भी समझ पाए होंगे। अब फोर्थ पे चलते हैं कि वेदर क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल टू ओबीसी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जानना कि क्रीमी लेयर क्या होता है और क्या ये कॉन्सेप्ट लगेगा ओबीसी पर, इन पे अदर बैकवर्ड क्लासेस पर। देखो, जो क्रीमी लेयर है वो एससी एसटी पर तो नहीं लगता, पर क्या हम अदर बैकवर्ड क्लास पर लगा सकते हैं? सो द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द एक्सक्लूजन ऑफ क्रीमी लेयर मस्ट बी ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एडवांसमेंट। तो पहले आंसर दिया अफर्मेटिव में कि हाँ जी, हमें क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो लगाना चाहिए। अब क्रीमी लेयर क्या होती है, तो यहाँ पे इन्होंने एक मीन्स टेस्ट की भी बात करी। तो मीन्स टेस्ट क्या होता है कि कोई आप एक इनकम लिमिट या फिर आप कितनी प्रॉपर्टी को होल्ड करते हो, कि क्या आपके मीन्स है टू सर्वाइव। इसलिए हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम एक बना देंगे कि ये बेसिस है, और जो लोग ये जिनकी इतनी इनकम है उनको हम देंगे रिजर्वेशन, और जिनकी इतनी इनकम नहीं है हम उसको नहीं देंगे। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ इकोनॉमिकली मत देखो, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का था, अदरवाइज गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी लेकर आती है कि क्रीमी लेयर में कौन लोग आएंगे और कौन लोग नहीं आएंगे। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस केस में कहना था कि आप सिर्फ इकोनॉमिकली मत देखो, आप सोशल एडवांसमेंट पर भी देखो, क्योंकि आर्टिकल 16:4 इसका फोकस थोड़ा सा सोशल एडवांसमेंट की तरफ ज्यादा है। तो ये हो सकता है कि एक क्लास इतनी इकोनॉमिकली हायर है कि वो सोशली बैकवर्डनेस भी ना रहे, वो सोशली बैकवर्ड भी ना रहे, लेकिन इकोनॉमिक क्राइटेरिया ये एक सोल बेसिस नहीं होना चाहिए टू अप्लाई दी क्रीमी रेयर कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या क्रीमी रेयर लगता है ऑन ओबीसीज, आंसर इज यस। और रिजर्वेशन पॉलिसी का बेनिफिट सही लोगों तक पहुंचे उसके लिए क्रीमी लेयर होनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक क्लास जो अपलिफ्ट हो चुकी है वही सारे बेनिफिट्स ले रही है। सो दैट इज द थिंग। जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक एग्जाम्पल भी दिया कि अगर एक सपोज करो कि एक बैकवर्ड क्लास है, उसका कोई मेंबर, उस फैमिली का कोई मेंबर आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन चुका है, तो वहां पे उनका जो सोशल स्टेटस है सोसाइटी में वो राइज हो जाएगा, दे विल बी नो लॉन्गर सोशली डिसएडवांटेज्ड। तो जो उनके जो चिल्ड्रन है उनको फुल अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी और वो कम्पीट कर पाएंगे ओपन कैटेगरी में। अब यहाँ पे फिफ्थ इशू की तरफ हम चल रहे हैं, ये थोड़ा सा इंटरलिंक्ड इशू कह सकते हो। वेदर द बैकवर्ड क्लास कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू बैकवर्डनेस एंड मोर बैकवर्ड कैटेगरीज, इसका आप प्लीज स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली इफ वी अप्लाई द क्रीमी लेयर, तो क्या हम इसको डिवाइड कर सकते हैं बैकवर्ड में और मोर बैकवर्ड में? तो आंसर वॉज गिवन इन अफर्मेटिव। अब चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जो हम हमेशा कहते हैं जब हम 10% रिजर्वेशन लाए थे इन फेवर ऑफ इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड पीपल। तो जब हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन लोगों के लिए रिजर्वेशन लेकर आए थे, तो होल जो आर्ग्यूमेंट था कि इंदिरा सोनी तो बोलता है दैट इज अ 9 जजेस बेंच, और वो कहता है कि सीलिंग होनी चाहिए 50% की। तो अब इसको समझते हैं, वेदर द 50% रूल इनिशिएटेड इन एमआर बायोलॉजी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट केस है, एमआर बायोलॉजी वर्सेस स्टेट ऑफ माइसोर 1963 का केस था। फर्स्ट टाइम 50% का जो सीलिंग था वो इसी केस में इंट्रोड्यूस किया गया था, और यहाँ पे इंदिरा सोनी में इसको अपहेल्ड कर दिया गया था। तो क्वेश्चन उठा कि क्या ये एक बाइंडिंग रूल है या फिर ये सिर्फ एक रूल ऑफ कॉशन और रूल ऑफ प्रूडेंस है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% लिमिट रिजर्वेशन पॉलिसी में ये एक रूल है, इट इज अ बाइंडिंग थिंग अनलेस एंड अंटिल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस आर देयर,
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप नहीं फॉलो करो तब भी चलेगा, बट वैसे ये बाइंडिंग है कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एक पर्टिकुलर ईयर में। जैसे अब आपका जुडिशरी एग्जाम्स आ रहे हैं, तो अगर सपोज गवर्नमेंट कहे कि 70% रिजर्वेशन हम दे रहे हैं, आंसर इज नो, इट कैन नॉट बी डन, 50% इज द रूल। अब क्या हुआ, टी देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इनमें इस केस में क्या किया गया था कि कैरी फॉरवर्ड रूल इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को इस पॉइंट पे ओवर रूल किया और उन्होंने कहा कि अनफिल्ड जो सीट्स रह गई हैं रिजर्व कैटेगरी की, आप उनको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बट 50% लिमिट इट शुड बी केप्ट इन माइंड, इसको हमें माइंड में रखना पड़ेगा। ठीक है, सो आई होप इसको भी समझ आया होगा, ये इशू भी आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं कि क्या रिजर्वेशन हो सकती है प्रोमोशंस में। देखो, जब अब आप आर्टिकल पढ़ते हो 16(4)A एक्सेट्रा, वो बाद की बातें हैं, हम कर रहे हैं 1992 के डिसीजन को। अब क्या हुआ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि प्रोमोशंस में रिजर्वेशन नहीं हो सकती, देयर कैन बी नो रिजर्वेशन इन प्रोमोशंस। लेकिन जब पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट्स कर दी, तो वो अमेंडमेंट के थ्रू इस चीज को लेकर आए कि प्रोमोशंस में भी रिजर्वेशन हो सकती है, लेकिन इस केस में मना किया गया था कि रिजर्वेशन नहीं होगी प्रोमोशंस में। सो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इस चीज को कि रिजर्वेशन इन प्रोमोशंस इज नॉट परमिटेड, इट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू इनिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड पोस्ट। अब यहाँ पे लास्ट हम चलते हैं कि क्या रिजर्वेशन पॉलिसी एंटी मेरिटेरियन है, कि क्या इससे जो सपोज करो कि कोई एक ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट है और वो रिजर्वेशन के थ्रू किसी सीट को होल्ड कर रहा है, सो क्या ये जो पॉलिसी है ये एंटी मेरिटेरियन है? क्योंकि अगर ओपन कैटेगरी से कैंडिडेट आता तो हो सकता है वो ज्यादा स्किलफुल होता ये चीज। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो, ऐसा कुछ नहीं है, इट इज नॉट एंटी मेरिटेरियन। बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जहां पे रिजर्वेशन शुड नॉट बी अलाउड। क्यों? क्योंकि ये फिर एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को क्या करता है, इफेक्ट करता है। जैसे डिफेंस, अगर आप मेडिकल, बिकॉज मेडिकल में क्या है कि आप लोगों की लाइफ के साथ कर रहे हो, तो वहां पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप आर्टिकल 335 देखो, क्योंकि ओबीसी रिजर्वेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात नहीं हुई थी, सो क्लेम्स ऑफ स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब्स, इसलिए आर्टिकल 335 रेस्ट्रिक्ट है इन क्लासेस से। तो यहाँ पे कहा गया कि द क्लेम्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब, इट शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन कंसिस्टली विद द मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे कहा जो जो लिमिटेशन 335 की है विद रिगार्ड टू स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब, वही सेम लिमिटेशन रहेगी विद रिस्पेक्ट टू ओबीसीज। सो यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हो जो मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड में बताया कि इट इज नॉट एंटी मेरिटेरियन। अब लास्टली आई होप सारे इश्यूज हमने इस केस के डिस्कस करे, तो एक बार हम रीकैप लेते हैं कि क्या कास्ट सोल बेसिस हो सकता है, आंसर इज नो, बट क्या हम कास्ट को एक फैक्टर मान सकते हैं टू आइडेंटिफाई द बैकवर्ड क्लास अंडर 16(4), आंसर इज यस। क्या इकोनॉमिक क्राइटेरिया सोल बेसिस हो सकता है, आंसर इज नो, बट कैन इट बी वन ऑफ द फैक्टर टू कंसिडर द बैकवर्ड क्लास, आंसर इज यस, वो हो सकता है। 16(4) में क्या जो आपका क्लास है इट शुड बी सोशली प्लस एजुकेशनली बैकवर्ड, दिस इज नॉट द रिक्वायरमेंट, हम यहाँ पे सोशल एडवांसमेंट को प्राइमेसी दे रहे हैं। सो क्या प्रोमोशंस में इंदिरा सोनी के हिसाब से क्या हम प्रोमोशंस में रिजर्वेशन दे सकते हैं, आंसर इज नो, नहीं, मना किया गया था। क्या क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल होगा, आंसर इज यस।
जो 10% रिजर्वेशन की बात की गई थी ऑफिशियल मेमोरेंडम में कि हमें इकोनॉमिकली सेक्शंस, वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन देनी चाहिए, यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया गया था कि नहीं देनी चाहिए। अब क्या होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन, इंटरलॉकिंग ऑफ रिजर्वेशन, इस पे मेरा ऑलरेडी वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा तो यू कैन विजिट माय चैनल एंड वॉच आउट द वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर जजमेंट्स। थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग।